नमस्कार मित्रों भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका दिल से स्वागत है इस दृक श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिमा थी उसके 25 पहलू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इस दृक श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के चौपन एपिसोड इसमें शामिल है और इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार उनका कार्य उनकी फलसुफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं पिछले चरण में हमने डॉक्टर अंबेडकर जी का एक श्रेष्ठ लेखक के रूप में जो योगदान है उसके बारे में मैं बोल रहा था उसी दौर को आगे बढ़ाते हैं और इस चरण में इस चौतीसावी चरण में मैं उनकी ऐसी किताब के बारे में ऐसे ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही विवादग्रस्त रहा उसका शीर्षक था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी ने अस्पृश्यों से कैसे बर्ताव किया जो कि 1945 में पब्लिश हुआ उस, उसका दूसरा संस्करण अगस्त 1946 में प्रकाशित हुआ तो चलिए चलिए इस किताब के बारे में समझ लेते हैं इस किताब में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 1917 से लेकर उन्नीस सौ तक जो भी सारी हकीकत थी अस्पृश्यों के संबंध से जो भी घटनाएं हो गई थी उसका विश्लेषण करते हुए महात्मा गांधी जी के ऊपर कड़ी आलोचना की है अगर इस ग्रंथ के आखिरी दो चैप्टर्स आप देखेंगे तो उसका शीर्षक था एक का शीर्षक था श्रीयुद्ध गांधी इनसे सावधान और दूसरा जो इसमें चैप्टर था अंत में उसका शीर्षक है गांधीवाद अस्पृश्यों का विनाश ये बड़ी किताब है तो इसको इसकी पूरी समीक्षा करना मुमकिन नहीं है और जगह पर मैंने वो की है लेकिन यहां मैं उसके एक चैप्टर में जिसमें गांधीवाद की चर्चा है उसके कुछ अंश डॉक्टर अंबेडकर जी की अपनी भाषा में मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ गांधीवादी ऐसे समझते हैं कि गांधीवाद का मतलब है गांव की तरफ वापस जाना और गांवों को स्वयंपूर्ण बनाना गांधीवाद जो है वो विभागवाद इतना सादा सरल नहीं है और उतना निष्पाप भी नहीं है गांधीवाद जो है उसमें सामाजिक फलसूफी है और आर्थिक फलसूफी भी है तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं सबसे पहले आवश्यकता है वो गांधीवाद का जो सही स्वरूप है सही रूप है उसको सामने रखना बहुत ही जरूरी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी के सामाजिक फलसूफी की तरफ देखा जाए तो श्री गांधी जी का भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है जाति व्यवस्था उसके बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो उन्होंने उन्नीस सौ में नवजीवन इस गुजराती नियतकालिक में उनकी भावनाएं उन्हें व्यक्त की थी उन्होंने व्यक्त की थी उसका एक संक्षिप्त रूप भाषांतर करके डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में कहा है कि गांधी जी कह रहे हैं पहला मुद्दा यह है कि मैं ये मानता हूं कि हिंदू समाज आज जो खड़ा है वो केवल जाति व्यवस्था के कारण खड़ा हुआ है दूसरा मुद्दा यह है कि अलग अलग जाति ये सेना के अलग अलग विभाग जैसे हैं और हरेक विभाग पूरे समाज के लिए काम करता है जैसे हरेक भाग प्रभाग पूरी सेना के लिए काम करता है वैसे ही जाति ये एक भाग है जो पूरे समाज के लिए काम करता है तीसरा मुद्दा है जाति व्यवस्था जो समाज जो समुदाय निर्माण कर सकता है उसके पास संगठन की एक मेवा द्वितीय क्षमता जरूर है चौथा मुद्दा गांधी जी कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी का कहना है हर एक जात अपने जात के सारे बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी ले सकती है जाति उनको राजनीतिक आधार भी दे सकती है प्रातिनिधिक मंडल के लिए एक मतदार संघ के रूप में काम कर सकती है न्यायाधीश के रूप में उस जाति की जो समस्या होगी वो उसके ऊपर निर्णय दे सकते हैं हर एक जात का एक ब्रिगेड हो सकता है जिसकी वजह से सेना की ताकत खड़ी करना ये भी मुमकिन है पांचवा मुद्दा गांधी जी का है कि अगर राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार करना है तो उसके लिए अंतर जातीय भोजन और अंतर जातीय विवाह जरूरी नहीं है जाति व्यवस्था में अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते हैं सहभोजन नहीं करते हैं या तो अंतर जातीय विवाह नहीं करते हैं इसलिए जाति व्यवस्था को गलत नहीं ठहराया जा सकता है सातवां मुद्दा है गांधी जी का कि जात ये नियंत्रण का नाम है जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा सुख लेने की बहुत ज्यादा आनंद लेने पर निर्बंध प्रतिबंध करती है आठवां मुद्दा है कि जाति व्यवस्था को छोड़ के उसको खारिज करके पाश्चात्य यूरोपियन सामाजिक व्यवस्था का स्वीकार करना यानी हिंदुओं की जाति व्यवस्था का जो आत्मा है वंश परंपरागत व्यवसाय उस तत्व को छोड़ देना पड़ेगा और वंश परंपरागत व्यवसाय का जो तत्व है वो अंगभूत तत्व है वो बदलना इसका मतलब है अराजक निर्माण करना नौवा मुद्दा है गांधी जी का जाति व्यवस्था समाज की नैसर्गिक व्यवस्था है और फिर आगे गांधी जी उस नियतकालिक में कहते हैं कि मेरा मेरी राय ऐसी होने के वजह से जो भी जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं उन सब का मैं कड़ा विरोध करता हूं डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं 1922 में श्री गांधी जाति व्यवस्था के समर्थक थे आगे चलकर 1925 में श्री गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हो गए इस वर्ण व्यवस्था का स्पष्टीकरण जो गांधी जी ने किया है उसे डॉक्टर अंबेडकर दोहराते उसका पहला मुद्दा है वर्ण का विभाजन ये जन्म पर आधारित होता है दूसरा मुद्दा है वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी भी शूद्र को शिक्षा लेकर उस माध्यम से अपना चरितार्थ चलाने का कोई अधिकार नहीं है तीसरा मुद्दा है वर्ण व्यवस्था चरितार्थों के साधन से संलग्न है एक वर्ण की व्यक्ति दूसरे वर्ण के पास जो ज्ञान है उसका विज्ञान है जो कला है उसकी शिक्षा लेने में कोई कोई हर्ज नहीं है लेकिन जहां तक चरितार्थ के साधन का ताल्लुक है तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है उसी वर्ग के साधन का अवलंब करना चाहिए उसी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने बाप जादाओं का व्यवसाय करना जरूरी है चौथा मुद्दा है वर्ण व्यवस्था जो थी उसके पीछे उसका उद्दिष्ट था स्पर्धा को टालना अंतरवर्गीय संघर्ष को टालना और व्यवस्था पर गांधी जी कहते हैं वर्ण व्यवस्था पर मेरा विश्वास है क्योंकि वो लोगों के कर्तव्य और उनके व्यवसाय निश्चित करता है पांचवा मुद्दा वर्ण हरेक व्यक्ति को जनमत लेने के पहले ही उसका व्यवसाय सुनिश्चित कर देता है और छठा मुद्दा है वर्ण व्यवस्था में किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की सुविधा नहीं है वंश परंपरा से उसका व्यवसाय सुनिश्चित किया गया है अब महात्मा गांधी जी के आर्थिक फिलोसॉफी तत्व ज्ञान आर्थिक फलसूफी की तरफ जाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी के दो तत्व हैं उसका पहला तत्व है यंत्र सामग्री को विरोध 1921 में श्री गांधी इन्होंने यंत्र सामग्री के बारे में उनका तिरस्कार व्यक्त किया था 19 जनवरी 1921 की यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा है और डॉक्टर अंबेडकर उनको उद्धृत करते हैं वो कहते हैं कि यंत्र सामग्री अगर नष्ट हो जाती है तो मैं रोने वाला नहीं हूँ मैं शोक करने वाला नहीं हूं और उसको आपदा भी कहने वाला नहीं हूं अनकोट डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंद स्वराज के संबंध में गांधी जी की पुस्तिका जिसने भी पढ़ी है वो हरेक व्यक्ति जानता है कि श्री गांधी आधुनिक जीवन शैली के खिलाफ है गांधी जी के विचार के अनुसार पाश्चात जीवन शैली ये शैतान की निर्मित है गांधी जी इनका दूसरा आर्थिक फलसूफी में दूसरा उनका विचार है वो वर्ग युद्ध और वर्ग संघर्ष वर्ग लड़ा इसकी समाप्ति कामगारों को जो श्रमिक है उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए इसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं देखिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं जो श्रमिक है उन्हें अपनी बड़ी संख्या और हिंसा का अधिकार अगर वो लेते हैं तो वो रास्ता आत्मघात की रहेगा वैसे करने से देश में जो उद्योग है उसको धोखा पहुंच जाएगा दूसरी तरफ अगर वो सही रास्ता चुनते हैं और वो प्राप्त करने के लिए खुद स्वयं दुख झेलते हैं तो हर एक बार वो कामयाब तो होंगे ही इतना ही नहीं तो वो अपने मालिक में सुधार कर पाएंगे उद्योग का विकास कर पाएंगे और मालिक और श्रमिक एक ही कुटुंब के घटक बन जाएंगे आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं मालिक वर्ग को किसी भी तरह से दुख पहुंचाने के लिए श्री गांधी तैयार नहीं है उनके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए भी उनका सख्त विरोध है आर्थिक समानता के बारे में उनके दिल में कोई भी मनीषा नहीं है मलिक और मजदूर श्रीमंत और गरीब जमींदार और भाड़ा देकर रहने वाले मालिक और नौकर इनमें जो आर्थिक विसंवाद होता है इसके ऊपर गांधी जी ने जो रास्ता निकाला है वो बिल्कुल सादा सरल है जो मालिक लोग हैं उनके मालिक के हक को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए उनको सिर्फ यही करना है मालिक वर्ग जो है उनको सिर्फ यही करना है कि उन्हें चाहिए कि गरीबों के विश्वस्त वे है ऐसा ऐलान उनको कर देना चाहिए कि हम गरीबों के विश्वस्त हैं और ये जो विश्वस्त मंडल रहेगा यह तो ऐच्छिक रूप में ही रहेगा और उसके ऊपर जिम्मेदारी जो रहेगी वो केवल आध्यात्मिक जिम्मेदारी रहेगी आर्थिक शोषण के बारे में गांधीवादी जो विश्लेषण है उसमें नया कुछ है गांधीवाद का जो अर्थशास्त्र है क्या वो सही है गांधीवाद में सामान्य आदमी और जो नीचे के तबके में व्यक्ति है उनके लिए क्या है क्या उन्हें अधिक अच्छा जीवन आनंदी जीवन मुक्त रूप से बढ़ने का जीवन उनके क्षमता के अनुसार जितने बड़े वो हो सकते हैं वो करने का अवसर उसका स्वातंत्र ये सारा है क्या बिल्कुल ही नहीं है गांधीवाद का जो अर्थशास्त्र है वो संकल्पनात्मक गलती है यंत्र सामग्री और आधुनिक जीवन शैली इसका फायदा अगर सब लोगों तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए यंत्र सामग्री जिम्मेदार नहीं है आधुनिक विचार शैली जिम्मेदार नहीं है उसके लिए चाहिए कि सामाजिक रचना इस प्रकार बदल दी जाए जिसकी तरफ से प्राप्त होने वाला लाभ ये कोई इने गिने व्यक्ति तक मर्यादित नहीं रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है ये करने की जरूरत है गांधीवाद में आम जनता के लिए कुछ भी आशा नहीं है वो आदमी को एक प्राणी के जैसे देखता है उससे और ज्यादा कुछ नहीं जानवरों के लिए संस्कृति मुमकिन नहीं है लेकिन आदमी के लिए वह अत्यावश्यक है इसीलिए मानवीय समाज का हेतु यही होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना इसका अर्थ है केवल जानवर जैसे जीवन जीने से आदमी को अगर बाहर निकालना होगा और उसे वक्त खुला कर देना होगा और उसके लिए सुसंस्कृत आयुष्य सुसंस्कृत तो जीवन अगर मुमकिन करना होगा तब यंत्र सामग्री और आधुनिक जीवन शैली की जगह दूसरा कुछ भी ले नहीं सकता है लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाला समाज यंत्र सामग्री और उस पर आधारित जीवन शैली के बारे में उदासीन हो सकता है लेकिन लोकतंत्रवादी समाज वैसे नहीं रह सकता लोकतंत्र को न मानने वाले समुदाय को शायद इन्हें इन्हें लोगों के लिए फुर्सत का और सुसंस्कृत आयुष्य जीने का और बाकी सारे बहुसंख्याकों को कड़ी मेहनत का जीना ये शायद मंजूर होगा लेकिन लोकतांत्रिक समाज जो है उसे चाहिए कि हरेक नागरिक को फुर्सत और सुसंस्कृत आयु के लिए आश्वस्त करना ही होगा लोकतांत्रिक समाज के लिए घोषवाक्य यंत्र सामग्री और अधिक यंत्र सामग्री संस्कृति और अधिक संस्कृति ऐसा ही होने चाहिए सारा से कहा जाए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि निसर्ग के पास वापस जाने की मांग करने वाला गांधीवाद इसका मतलब है बहुसंख्याक जनता के लिए नग्नावस्था की तरफ जाना गणिच्छता के ओर जाना दारिद्र की ओर जाना और अज्ञान का जो अंधेरा है उसके पास वापस जाने जैसा है डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं गांधीवाद से प्रस्तावित एक राम बाण उपाय के रूप में प्रस्तावित जो कल्पना है कि पैसे वाले धनिक वर्ग को अपनी मालमत्ता गरीबों के विश्वस्त के रूप में धारण करने का अधिकार देने वाली विश्वस्त पद की संकल्पना ये गांधीवाद का सबसे ज्यादा हस्यास्पद हिस्सा है अगर दूसरा कोई व्यक्ति ये कहता तो उसे कहा जा सकता था कि उसे आयुष्य में जो वास्तविकता है उसकी कुछ कल्पना ही नहीं ऐसे बोल के उसे कहा जाता था गांधीवाद का सामाजिक आधार एक तो जाति व्यवस्था या तो वर्ण व्यवस्था और दोनों लोकतंत्र के मूलभूत विरोध में है गांधी जी के और भी जो युक्तिवाद है उसकी दया करनी चाहिए और समाज नष्टप्राय हो गए अदृश्य हो गए फिर भी हिंदू समाज टिका हुआ है ये निश्चित रूप से स्पृहणीय है लेकिन वो टिका हुआ है वो जाति व्यवस्था की वजह से नहीं तो हिंदुओं पर आक्रमण करने वाले जो आक्रमक थे वो सारे सब लोगों को एक साथ उनको मार डालना उनके लिए मुमकिन नहीं था इसलिए सिर्फ जीवित रहना इसमें कुछ भी सम्मानजनक नहीं है महत्वपूर्ण है कि जीने का स्तर क्या है बिन शर्त शरणागति लेकर कोई भी जीवित रह सकता है हिंदुओं की ये असहाय अवस्था केवल जाति व्यवस्था की वजह से हो गई है आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ऐसे कह नहीं सकते कि जाति व्यवस्था ये एकमात्र व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा और न्याय देना मुमकिन होगा और देशों में जहां जाति व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है वहां ये दोनों बातें अधिक कार्य क्षमता से की जाती है उसके लिए जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है हम मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं एक समुदाय के रूप में एकत्रित एक रहने से जहां कौटुंबिक भावना है एक दूसरे के बारे में लगाव है वहां अंतर सहभोजन और अंतर विवाह आवश्यक नहीं है यह माना जा सकता है लेकिन इसका इनकार करना मुमकिन ही नहीं कि जाति व्यवस्था के अनुसार जहां कोई भी आपस में बंध अनुबंध नहीं होते हैं वहां सहभोजन और विवाह अत्यंतिक आवश्यक होते हैं इस बात को हम टाल नहीं सकते इसमें जो आखिरी युक्तिवाद गांधी जी ने किया है वो तो जाति व्यवस्था के समर्थन में मैंने सुना हुआ सबसे आश्चर्यकारक युक्तिवाद है और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो गलत भी है मनुस्मृति की जिनको थोड़ी सी भी पहचान है ऐसा कोई भी व्यक्ति जाति व्यवस्था ये नैसर्गिक व्यवस्था है ऐसे बोल नहीं सकता मनुस्मृति क्या कहती है तो जाति व्यवस्था एक शस्त्रों के बल पर बनाई गई एक वैधानिक व्यवस्था है वो सलामत रही इसलिए कि नंबर एक बहुजनों को शस्त्र धारण करने से प्रतिबंध करके दो बहुजनों को शिक्षा का अधिकार नाकारा गया और तीसरी बात यह है कि उन्हें संपत्ति के हक से सु... भी उन्हें संपत्ति के हक से भी वंचित रखा गया तो जाति व्यवस्था यह नैसर्गिक तो है ही नहीं उसके उपरांत वो दास वर्ग पर सत्ताधारी वर्ग ने उसको लादा गया है किसी तरफ से देखा जाए तो गांधीवाद ये क्रांतिकारी तत्व और संप्रदाय नहीं हो सकता है वो है अति उच्च स्तर का पुराण मतवाद गांधीवाद एक विरोधाभास है विदेशी वर्चस्ववाद से वो स्वतंत्रता की मांग करता है इसका मतलब है देश की जो विद्यमान राजनीतिक रचना है उसे नामशेष करना उसमें अभिप्रेत है लेकिन उसी वक्त एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर वंश परंपरा से जो वर्चस्व रखा है उस सामाजिक रचना को भी वो आबादित रखना चाहते हैं मालूम होता है कि गांधीवाद की दो वैशिष्ट है जिनकी तरफ दुर्भाग्य हमारा कि उनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया उसमें एक पहला वैशिष्ट ये है कि ये जो तत्वज्ञान है ये जो फलसूफी है गांधी जी का गांधीवाद का पहला वैशिष्ट ये है कि उसकी फलसूफी जो है जिनके पास है वो कायम रखने के लिए मदद करता है और जिनके पास कुछ भी नहीं है और जिनको वो मिलने का हासिल करने का अधिकार है वो मिलने के लिए प्रतिबंध करता है गांधीवाद का दूसरा विशेष लक्षण है कि गांधीवाद लोगों की जो दुर्दैवी स्थिति है यही उनकी सुस्थिति है ये बताता है और उन्होंने वो का स्वीकार करना चाहिए उसी में आनंद लेना चाहिए इसके लिए प्रयत्नशील रहता है उदाहरण उदाहरणार्थ हिंदुओं का पवित्र कायदा को संपत्ति धारण करने पर सजा देता है दुनिया के किसी भी भाग में कभी भी अस्तित्व में जो नहीं था वैसे एक विशिष्ट वर्ग पर सख्ती से जबरदस्ती से गरीबी थोपने वाला ये कायदा है इसके बारे में गांधीवाद क्या करता है गांधीवाद ये निर्बंध उठाता नहीं है गांधीवाद शूद्रों को उनके संपत्ति त्यागने के नैतिक धैर्य के बारे में उनका अभिनंदन करता है इस संदर्भ में गांधी जी के जो अपने शब्द है वही बताना उचित रहेगा वही कहते हैं डॉक्टर तो अम्बेडकर जी कहते हैं गांधी जी को उद्धृत करते हैं आई कोट शूद्र ये अपना धार्मिक कर्तव्य के रूप से उच्च वर्ण की सेवा करता है वो कभी भी संपत्ति धारण नहीं करता है संपत्ति के रूप में कुछ भी धारण करने की आकांक्षा भी उसके पास नहीं है इसके लिए उसे हजार बार प्रणाम करना चाहिए प्रत्यक्ष देव भी प्रत्यक्ष परमेश्वर भी उसके ऊपर फूलों की वृष्टि करेंगे अनकोट गरीबी ये अच्छी है ये शिक्षा और किसी को नहीं देते हैं लेकिन केवल शूद्रों को देते हैं भंगी काम करना यह अच्छा है यह शिक्षा और किसी को नहीं देते सिर्फ को ही देते हैं, और उन्हें ये बुरे काम जीवन की कर्तव्य समझकर स्वेच्छा से करने के लिए उनको मजबूर करना और उन्हें भावनिक आवाहन करना ये असहाय वर्ग पर अत्याचार करने वाली क्रूर चेष्टा है इस असहाय वर्ग के प्रति ऐसा घृणास्पद कार्य श्री गांधी ही शांति से और कुछ भी बुरी भावना मन में लाए बगैर कर सकते हैं जो लोग अन्याय से पीड़ित हैं उन्हें अन्यायकारक जो बातें है वही उनके लिए सुसंधि है ऐसे बताना यह गांधीवाद का तंत्र है अगर किसी वाद ने धर्म का पूरी तरह से उपयोग अफीम के गोली के जैसे करके लोगों को भ्रामक कल्पना और भ्रामक सुरक्षा इसमें फंसा कर रखा होगा तो वो है गांधीवाद शेक्सपियर ने जैसे कहा है वैसे कहा जा सकता है कि सत्य का मुखवटा धारण किया हुआ असत्य और दूरतता तुम्हारा नाम गांधीवाद यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की समीक्षा गांधीवाद की समीक्षा खत्म हो जाती है मित्रों इसी बात पर मेरी बात को मैं विराम देता हूं इस सत्र की समाप्ति यहीं पर करते हैं लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए उसे शेयर कीजिए उसे सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे जल्द ही तब तक के लिए आज्ञा दीजिए धन्यवाद नमस्कार